पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि पानी का तनाजा बहुत पुराना है। 48 लाख एकड़ ज़मीन के लिए पानी कहां से आएगा? वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक बोले, चौलिस्तान की बंजर ज़मीन आबाद करने के लिए पानी पंजाब के हिस्से से मिलेगा। पानी का डिस्प्यूट बहुत पुराना है, ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं हम। 4.8 मिलियन एकड़ ज़मीन की आबादी के लिए पानी कितना चाहिए? कभी किसी ने कैलकुलेशन किया है? 1951 में पर पर्सन 9,200 क्यूबिक मीटर पानी एक आदमी के ऊपर था। 2025 में ये 500 पे हो जाएगी। इससे अंदाजा कर लें पानी की शॉर्टेज का। अब कालाबाग डैम से जान छुड़ाई है तो आज कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम पे हमारे लिए एक और मुसीबत जो है हमारे अगेन एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्राइसिस हमारे लिए क्रिएट की जा रही है। जो फार्मर्स सदियों से वहाँ काश्तकारी करते आए हैं, आप उनको डिस्प्लेस करके उनके जगह नए फार्मर कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम पे सपोजिटली अमीर लोग आके यहाँ फार्मिंग करेंगे। इरसा ने जो सर्टिफिकेट का इजरा किया है उसके तहत, यानी वो तमाम चीज़ें जो ये साबित करती हैं कि ये सिर्फ पंजाब के हिस्से से पानी डाइवर्ट होगा, जैसा कि जो ज़मीन सिंध ने ली है सर, उसमें इरसा ये कहेगा कि ये पानी सिर्फ सिंध के हिस्से से डाइवर्ट होगा। ये हमारा फ़र्ज़ है सर कि हम मेक श्योर करें कि वो लोग जो सदियों से अपने गांव में अपने इलाकों में काश्तकारी करते हैं वो काश्तकारी करते रहें। लेकिन सदियों से लोग सर बिल्कुल डाउन ट्रॉडन और गरीब भी हैं। वो इलाके सर जहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता, वहाँ के लोग क्या करते हैं, वो क्या काश्तकारी करते हैं सर, वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं? तो सर एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है।